ભાવનગરના ઝવેરી પરિવાર દ્વારા સૂફી ગાયક ભાવિન શાસ્ત્રીના ટોક શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. लेकिन आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी स्त्री जो है सशक्तिकरण में नहीं, वो और नीचे दबती जाएगी. इसलिए आपको बहुत ज्यादा बोलना है. बिन मोहन मीरा, जिस दिन आपने बिन मोहन मीरा को एक्सेप्ट कर लिया उस दिन समझना आपने स्त्री सशक्तिकरण को पहला स्टेप आगे बढ़ गए. लेकिन आपको मोहन के बिना मीरा को देखना ही नहीं. पता है आपको, किसी भी स्त्री को आप पुरुष के बिना देखते हो तो उसके प्रति आपकी जो भावना है वो नेगेटिव ही जागृत होगी. इस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं जिस दिन एक अकेली स्त्री अपने खुद के सम्मान के साथ, अपने खुद के आधार के साथ खड़ी रहे. लेकिन नहीं, भीम मोहन मीरा हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. उसी बात को 500 साल पहले राणा ने किया था. पता है आपको मीरा कौन थी? महाराणा प्रताप की आंटी, काकी. અને સરનાજ શબ્દોમાં કહીએ તો હર કામયાબી, હર કામયાબી આપને રાવણ, હર કામયાબી. શહેરના શિવશક્તિ હોલ ખાતે યોજવામાં આવેલા કાર્યક્રમમાં ભાવિન શાસ્ત્રીએ મીરાબાઈના આધ્યાત્મિક ચિંતન વિષયક પ્રવચન આપ્યું હતું. લેકિન એક વાત જરૂર હૈ, મીરાને માના નહીં. મીરાને માનને સે પહેલે જાગો. जिस दिन ये सिंपल सा लॉजिक आप समझ जाओगे, जिस चीज को आप जानने से पहले मानोगे, वो सब अंधश्रद्धा है. सब दूसरों ने बताई हुई चीज, लिखा हुआ है मीरा और मोक्ष. मोक्ष क्या है? मोक्ष वाली बातें वो लोग करते हैं जो कभी मरे ही नहीं, और जो मरते हैं वो मोक्ष की बात करते नहीं. वो क्यों करेंगे? वो तो कर ही नहीं सकते. यानी हमारे मौलवी, हमारे पंडित, हमारे जो ये सो कॉल्ड धर्म के रक्षक है, उन लोगों ने हमें स्वर्ग और नर्क का पता बता दिया जो वो कभी गए ही नहीं. और जो कभी स्वर्ग और नर्क देखा नहीं, जिसने मोक्ष के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो किस तरह से वो बात करेंगे? लेकिन हम मान लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की. मीरा ने जानने की कोशिश की. मीरा ने जानने की किस तरह से कोशिश की? मीरा ने सिर्फ कहा हुआ नहीं माना. मीरा जब छोटी थी, एक मूर्ति के साथ सोती रहती थी. धीरे धीरे उस मूर्ति के साथ प्रेम बढ़ गया. वैसे हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. आज मीरा की मूर्ति की जगह बारबी डॉल ने ले ली है. अब इस दुनिया में अगर हमारा कोई मकसद रहा तो दो चीजें लोगों को समझाने की इच्छा रख. कार्यक्रम में उपस्थितों ने भाविन शास्त्री नु पुस्तक भेंट रूपे आपवामा आव्यो हतो. जो बात हमने मीरा के साथ की थी, आज जब निकलती है बात मीरा की, तो हम मोहन के बिना मीरा को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. लेकिन इन्होंने तीन बार पूछा, मीरा थी कौन? भक्त थी? मीरा प्रेमी थी? मीरा त्यागी थी? नहीं, मीरा स्वार्थी थी. मैंने इतनी स्वार्थी, सेल्फिश औरत मेरी मैंने जिंदगी में देखी नहीं. जिसने जो एग्जिस्टिंग में नहीं है उस इंसान से प्रेम कर लिया, ये सबसे बड़ी चतुराई की बात है. हमें चाहने के लिए भी जीवित इंसान चाहिए. नहीं, मीरा ने जीवित इंसान के साथ प्रेम नहीं किया. मीरा ने नॉन एग्जिस्टिंग थीम के साथ प्रेम करके उसको जीवित किया. ये पहला पहला पड़ाव है. जिस दिन आप प्रेम करने वाले इंसान को, जो जीवित यानी जो आज की दुनिया में है ही नहीं, उसको प्रेम करके जीवित करते हो, तो पहली कृपा मीरा की मोहन पर यह हुई कि मोहन के 4,500 साल के बाद मीरा ने मोहन को जिंदा किया. आ कार्यक्रम में आमंत्रितो हाजर रहा था.